नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशनी, मैं हूं आपके साथ आरतू। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से आदिवासी भाई बहन को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना खड़गवां ब्लॉक के बचरा पोड़ी इलाके की बताई जा रही है। पोड़ी बचरा पुलिस चौकी क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाई बहन खड़गवां स्कूल से अपना रिजल्ट लेने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान वो दोनों अपना मोबाइल बनवाने के लिए पोड़ी बचरा के मोबाइल दुकान पहुंचे। इस दौरान मोबाइल दुकानदार ने आदिवासी लड़की के साथ बदतमीजी की। मोबाइल दुकानदार की पत्नी जो कि भाजपा नेत्री है, उसने लड़की के साथ मारपीट की। जब भाई ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसके सिर पर आरोपी पति पत्नी ने रॉड से हमला कर दिया और आरोपियों ने भाई बहन दोनों को घर के अंदर बंधक बना लिया। दुकानदार की पत्नी ने दोनों से बर्तन, कपड़े और जूते भी धुलवाए और दोनों भाई बहनों की जमकर पिटाई की। फिलहाल आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भाजपा नेत्री फरार बताई जा रही है। हिंदू और वही मारे थे रॉड से। महिला है ये वो ना? हाँ, इंदु ठाकुर से। क्या नाम है पता नहीं, मालूम नहीं। कौन किसो किसको मारे थे? दोनों को मारे। बंद कर दिए थे रूम में आप लोग? हाँ, रहता उता हुआ है, बर्तन साफ किया है, पूरा कपड़ी कपड़ा साफ करवाया है, पूरा रूम को भी साफ करवाए। हाँ, फिर क्या हुआ? साफ करवाते रहे, एक मारते रहे तो कहाँ से, और इतना डुबा रहे थे उस समय, ईंटा से मारे थे। राहुल जायसवाल वो लोग आए, फिर बोले कि राजीनामा कराना है। हम बोले नहीं, हमको नहीं कराना है राजीनामा। इसके बाद वो फिर उमेश को बंद कर दिए और वो महिला तो नहीं है, उसको बंद नहीं किए। महिला ही थी उस दिन तो आई थी। क्या नाम महिला का? महिला का इंदु ठाकुर। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा है, बल्कि न केवल देश बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश का नाम भी खराब हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने देखा और किस प्रकार से एक आदिवासी, अबोध आदिवासी के ऊपर जो पेशाब करने का काम इन लोगों ने किया है। क्योंकि चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का तभी उजागर होता है जब इनके कृत्य सामने आते हैं। इसी प्रकार से जो घटना अभी बचरापोड़ी में घटी है कि जो दो आदिवासी जो बालक और बालिका हैं एक परिवार के, उनको लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिसको आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आदिवासी को बंधक बनाया, उनको प्रताड़ित किया। निश्चित रूप से सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की है। अभी उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही जल्दी जो उसकी पत्नी है जो इस तरह का कृत्य की है, उसको भी संज्ञान में लेके जो भी कानूनी और उचित कार्रवाई होगा उसके ऊपर करेंगे। जो बड़े भाई हैं पीड़िता के, उसने आरोप लगा कि थाने में बुला करके कम्प्रोमाइज़ की बात कही जा रही थी, इस तरह की बात सामने आ रही। निश्चित रूप से ये लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, ये इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि ये जो भी हमारे पीड़ित आदिवासी दलित वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा जो लोग हैं, उनका दमन करना भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होंगे। और जो भी कठोर जो कानूनी कार्रवाई होगी जांच के उपरांत उनके ऊपर होगी। पीड़िता थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 6 को वो बचरापुड़ी के एक दुकानदार के यहाँ मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी, जिस पर दुकानदार का जो मालिक है उसको फ़ोन से अपने घर के अंदर बुलाया, उसके साथ बदतमीजी किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और जब उसी समय उसकी पत्नी आ गई और उसके साथ मारपीट किए और बर्तन धुलवाए और झाड़ू लगवाए। ऐसी रिपोर्ट पर महिला विवेचक को बुलाकर उसे पूछताछ कर FIR लिया गया है, जिसमें आरोपी उमेश ठाकुर और इंदु ठाकुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 278/23 धारा 354, 354 ख, 294, 506, 323, 34 एवं आदिवासी अत्याचार अधिनियम की धारा 31W कायम कर विवेचना की गई है। आरोपी उमेश ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महिला अभी तक फरार है? महिला फरार है, महिला की जानकारी ली जाएगी जो तत्काल गिरफ्तार किए जाएंगे। बंधक बना के बर्तन भी धुलवाया गया और कपड़े भी धुलवाए गए, इस तरह के बात सामने क्या है?
उसके साथ काम करवाया गया है, उसमें अपराध दर्ज किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है, सीएसपी महोदय के द्वारा उसकी जांच की जा रही है। आदिवासी बर्गर जो भाई है ये भी आरोप है कि थाने में बुला करके कंप्रोमाइज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, मुझे मेरे संज्ञान में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि पुलिस के द्वारा कोई या कोई पब्लिक के द्वारा उसे समझौता कराया जा रहा है। आगे किस तरह कार्रवाई होगी? गिरफ्तारी की जाएगी महिला की और